कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर चुनाव के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आंकलन के लिए चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने सुना है भारत चुनाव आयोग 21 से 25 अगस्त के बीच तारीखों की घोषणा करेंगे। बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भारत में तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाले अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आरोप सेबी पर लगते हैं और जवाब भाजपा के नेता देते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आगामी उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के चलते जनता का भरोसा भाजपा पर कायम है। बसपा प्रमुख मायावती ने बांग्लादेश मामले को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति व धर्म के क्यों न हो, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद और चिंतनीय है। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले और उचित कदम उठाए, वरना इनका ज्यादा नुकसान न हो जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद विपक्ष दलों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, इस मामले में जांच की मांग की। वहीं इस पर हमला करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दावा करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को इस्तीफे के लिए एक कॉल की थी। ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने कहा कि मायावती को ना तो आरक्षण से मतलब है और ना ही उन्हें दलितों की चिंता है, वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, लेकिन सपा मजबूत है, हम अपनी विचारधारा के अनुरूप लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, भाजपा को जनता ही जवाब देगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडागर्दी और अराजकता है। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में अब राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। वहीं एनडीए के घटक दल सुभा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, क्योंकि बीएसपी का जो वोट तितर बितर हो रहा था, वो समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बनेगा और इसका फायदा एनडीए को होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा और पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे। कन्नौज में नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार सपा नेता नवाब सिंह यादव से पार्टी ने किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि कन्नौज जिला अध्यक्ष ने लेटर जारी कर कहा है कि नवाब सिंह पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है। पार्टी ने उल्टा नवाब पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगा दिया है।